फर्टिलाइजर से भी ज्यादा खतरनाक पेस्टिसाइड्स है, उनसे तो हमें बचना ही पड़ेगा। अभी लोग क्या करते हैं, खास करके जो भिंडी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, उनके ऊपर अभी पेस्टिसाइड छिड़का और दूसरे दिन ही तोड़ करके बाजार में लेकर के चले जाते हैं, पूरे खेत में छिड़क देते हैं। अब उसमें कच्ची भिंडी तोड़ ली, उनके ऊपर कली छिड़का था, उसको खाया और उसके द्वारा नुकसान तो होते हैं, लेकिन वो जानलेवा नहीं है, नुकसान तो उनके है ही। इसलिए जो कुदरती खेती है, प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक जो फूड है वो सबसे बेस्ट है, और उसके लिए भारत सरकार ने भी प्रयत्न किए। अभी आखिर पूरी दुनिया को वापस तो लौटना पड़ेगा ही इस स्वस्थ आहार पर। तो स्वस्थ आहार, स्वस्थ विचार, स्वस्थ वातावरण, पोल्यूशन से मुक्ति, जेनेटिक रोग, ऐसे बैक्टीरियल वायरल डिजीज, लो इम्यूनिटी से होने वाली डिजीज, बीड़ी, सिगरेट, शराब और तमाम तरह की जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल से उससे होने वाली डिजीज, इनसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनसे बचना तो पड़ेगा। और सबसे अच्छा उपाय है योगाभ्यास और एक हेल्दी लाइफस्टाइल। आंवला पिए, एलोवेरा पिए, गिलोय पिए, तुलसी पिए, हल्दी खाएं, सुबह उठ करके लहसुन खाएं, और खाने में भी पहले सलाद खाएं, फल खाएं, फिर बाद में शाकाहार जो खाना खाना है वो खाएं। जितना भी फास्ट फूड है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये जितना भी तला भुना पदार्थ है, जितना हेल्दी खाएंगे उतना हेल्दी रहेंगे। और योग करेंगे तो उससे आपका प्रतिरक्षा तंत्र से लेकर के आपका पूरा इंटरनल सिस्टम, आपके एंडोक्राइन सिस्टम है, पूरे इंटरनल ग्लैंड्स आपकी बॉडी के वो एक्टिवेट रहेंगे। इसलिए मैं कहूंगा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीथ, ये पांच प्राणायाम 5 मिनट के लिए, सूर्य नमस्कार और कोई भी 5-10 आसन, ताड़ासन है, मंडूकासन है, उत्तानपादासन है, भुजंगासन है, उष्ट्रासन है, छोटे छोटे आसन है, तो 5 से 10 आसन, 5 मिनट सूर्य नमस्कार और 5 प्राणायाम, इतना हर एक व्यक्ति कर सकता है। और जो नहीं करेगा वो, चलो कोरोना की बात तो छोड़ो, वो किसी न किसी बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रोल, फैटी लीवर, तमाम तरह के नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है, वो भी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती। और WHO से लेकर के, UNO से लेकर के, दुनिया की बड़ी संस्थाएं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के भी जो है प्रिवेंशन के लिए कोई और दूसरा रास्ता उनको नहीं दिख रहा है, उसके लिए योग ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए योग तो अपनाना ही पड़ेगा, बाकी जितनी भी दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज है, फिजिकल वर्कआउट है, वो आपकी कैलोरी को थोड़ा बर्न कर देते हैं, आपको हेल्दी रखने में मदद करते हैं, लेकिन एक जैसे कहते हैं इंक्लूसिव हेल्थ, समग्र रूप से आपको जो आरोग्य है वो योग से मिलेगा, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो बॉडी, माइंड एंड सोल के लिए योग से बेहतर तो कोई दूसरा तत्व है नहीं, उस तरफ तो आना ही पड़ेगा। चाहे राजी है, राजी आ जाए।